ही सौभाग्य की बात है कि अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी मंडी में आज मुझे इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े नेतृत्व से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इस सौभाग्यशाली मुझे मैं सब भाई बहनों की, कार्यकर्ताओं की, उपस्थित सब अधिकारियों की अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद श्री अनिल शर्मा जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री गोविंद ठाकुर जी, पूर्व मंत्री एवं सांसदीय प्रभारी मनीष कपूर जी, मंडल अध्यक्ष श्री हरचंद शर्मा जी, जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक श्री सी ठाकुर जी, श्री कन्हैया लाल जी, श्रीमती पायल वैद्य, प्रदेश उपाध्यक्ष मेयर वीरेंद्र भट्ट जी, डिप्टी मेयर श्रीमती माधुरी कपूर जी, मानुचाली ठाकुर जी, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा भुवनेश ठाकुर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा सुमन ठाकुर जी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अखिलेश कपूर जी, प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा, सभी पार्षद गण व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, सभी पार्टी के कार्यकर्ता एवं इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, मैं आप सबकी बहुत धन्यवादी हूँ। ये सब संबोधन मेरे लिए बहुत नए हैं, ये सब पदाधिकारी और ये सब पद भी मेरे लिए काफी नए हैं, तो क्षमा करिएगा, अभी मुझे कुछ वक्त लगेगा, तो मुझे एक चीज मिलती है उस पर से पढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आज इस लोकसभा चुनाव में, जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जब उन्होंने एक प्रत्याशी खोला इस सीट से, तो उन्होंने मंडी की बेटी को मौका दिया। इतने सारे लोगों ने, इतने सारे योग्य लोगों ने, मैं कहूंगी मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं सोचती हूँ ये सौभाग्य मेरा अकेले का नहीं है, ये सारी मंडी का सौभाग्य है। लेकिन दोस्तों, आप देखिए जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उनकी क्या धारणा है, उनकी क्या बातें हैं। उन लोगों को ये रास नहीं आया कि एक बेटी, एक छोटे से गांव से, भांगा जैसे गांव से आने वाली छोटी सी बेटी, जिसको कभी इंग्लिश नहीं आती थी, जिसको कभी शहरी तौर तरीके नहीं आते थे, जिसको हमने इंडस्ट्री से भी भगाने की कोशिश की, उस पर केस किए, जेल में डालने की कोशिश की, उसका घर तोड़ दिया, और जब उन्होंने सोचा कि ये पूरी तरह से अब टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो उसको ये कैसा मौका मिल गया। उनके पेट में बहुत जलन हुई, बोला ना है दिल से छाती पर मुंह गलते, छाती पर मुंह गलो ये दिन आ गया, तो इतनी ज्यादा उन्हें कष्ट हुआ, और उन्होंने कितनी भद्दी बातें, कितनी अश्लील टिप्पणी मंडी के बारे में और मंडी की महिलाओं के बारे में, उन्होंने कहा कि ये मंडी में क्या भाव चल रहा है, मेरा फोटो डाल दिया उन्होंने। हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसी मानसिकता कहां से आ गई है, क्यों उनको लगता है कि जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं उनका कोई स्वाभिमान नहीं होता है, क्यों उनको लगता है कि इनको बस हम जैसे बुलाएं वैसे आ जाना चाहिए, जैसे उठाएं वैसे उठ जाना चाहिए, जैसे बिठाएं वैसे बैठ जाना चाहिए, क्यों इनको ऐसा लगता है, कहां से आती है मानसिकता कि गरीब लोगों में स्वाभिमान नहीं होता है, कहां से आती है मानसिकता कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाली ही लड़कियां जो हैं वो उनकी कोई कीमत होती है और बाकी तो ऐसे ही बाजार होती है, कहां से आती है ये मानसिकता, आती है जो परिवारवाद और ये जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़कर बाहर से बाहर रहकर भारतीयता को और भारतीयों को नीच दृष्टि से देखकर, अगर आप भारतीय हैं, अगर आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, अगर आप अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपनी हिंदी भाषी हैं, तो ये सोचते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये सस्ते लोग हैं, इन्हें कभी भी हम लोग फेंक सकते हैं, खरीद सकते हैं, इस तरह की मानसिकता रखने वाली है ये कांग्रेस पार्टी। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूंगी कि इसका जवाब मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं दूंगी, इसका जवाब मेरी सारी बहनें, सारी बेटियां, सारी माताएं मंडी से और समस्त हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस को देंगी। दोस्तों, एक तरफ इन लोगों का, जिस तरह से आपको पता है धर्म युद्ध में एक तरफ धर्म होता है और दूसरी तरफ अधर्म होता है, तो अधर्म का तो आपने देखी, अब देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमेशा महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी योजनाएं उन्होंने रखी हैं। सुबह हम उठते हैं तो हमारे
ने इज्जत कर दिए हैं। गैस चूल्हे में पता है कि महिलाएं जो गांव की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उन्हें कितनी आपत्ति होती है जो पुराने चूल्हे थे। उन्होंने उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से भी ज्यादा चूल्हे हमें दिए। बहनों को अक्सर कहा जाता है घर में छोटा मन मुटा होता है, कह जाता है तू निकल जा घर से। उनको इस बात की भी चिंता होती है। उन्होंने समस्त बहन बहनों को जो है 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को पक्के मकान दिए। छात्रवृत्ति 85-85 हजार करोड़ से भी ज्यादा स्कॉलरशिप 3.5 करोड़ से ज्यादा उनकी लाभ को दिए। बहनों को गर्भवती महिलाओं को भी पोषण के लिए 6 हजार रुपए देते हैं। किसी की दूसरी बेटी हो जाए तब भी उनको पता है कि समाज कैसे ताने मारता है, उनको भी 6 हजार रुपए लगाए। तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने हमें कमी कहाँ छोड़ी हुई है। इज्जत और मान के साथ में आप देखिए आज 33% रिजर्वेशन देकर लोकसभा और विधानसभा में उन्होंने आज मुझे यहाँ आपके सामने खड़ा किया है। दोस्तों हमारे देश की बागडोर हमारे प्रधानमंत्री जी के ही हाथों में रहती है तो हमारी बेटियों का, हमारे बेटों का भविष्य सुरक्षित है और सुनहरा है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, आप सब मुझसे ज्यादा जानने वाले हैं, आप सब कार्यकर्ता हैं, आप सब पदाधिकारी हैं, आप सब जानते हैं कि उन्होंने आधुनिकरण में थी इन लोगों ने, ये लोगों ने आजादी के 70 साल तक भी कई हजारों गाँव ऐसे थे जहाँ बिजली तक नहीं पहुंची थी, जहाँ सड़कें तक नहीं पहुंची थी, वो इतनी दुर्दशा में रह रहे थे। लेकिन इन लोगों ने बिजली कोयले से बिजली बनती है वो कोयले को भी ये लोग खा गए। ये लोगों ने कोयला भी छोड़ा, 2G स्कैम चारा वो तो चलो बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए, इन लोगों ने कोयला भी नहीं छोड़ा, हर जगह घोटाला, हर जगह घोटाला। पूरे विश्व में हमारी ऐसी छवि बन गई थी कि मानो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और सबसे ज्यादा गंदा, वो खुले में शौच करने वाला, कूड़ा फेंकने वाला, एक तरह से जिस तरह से हमारी छवि सबसे ज्यादा गंदी और गंदी छवि भारतीय की छवि इन लोगों ने बनाई थी। और हर दिन पेपर में ये भी पढ़ते थे ये गायों का चारा, पशुओं का चारा था, इन्होंने 2G स्कैम कर, इन्होंने ये स्कैम कर, हर दिन पेपर में आता था देश में ऐसा देश हमारा बदनाम था इन लोगों की काली करतूतों से। लेकिन आज आप देखिए हमारा देश विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो राम मंदिर हो। मंदिर यहाँ क्या, मंदिर उन्होंने मुस्लिम देशों में भी मंदिर बना दिए। इतनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की ऐसी कीर्ति पूरे विश्व में है। तो दोस्तों ये ध्यान आपने रखना है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ या बड़ी बहन हूँ या बेटी हूँ, जो आप मुझे मानने में आपकी गई हूँ। दोस्तों मुझसे आपको पता है कि मेरे सारा मंडल है, हर जगह मुझे जाना है, आप लोगों ने सारा दामोदर सारा जिम्मा लेना है मेरा, आप लोगों ने मुझे जताना है। मैं ये कतई नहीं मानती कि मैं अपने दम पे जीत सकती हूँ, मैंने करा होगा फिल्मों में काम, मिले होंगे मुझे अवार्ड, लेकिन वो अब कोई अच्छी डॉक्टरी करता है उसका मतलब थोड़ी है वो एमडी बन जाएगा, कोई अच्छा मास्टर है उसका मतलब डेढ़ छोड़ूंगा मेरे देखा बन जाना, मैं कतई नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि मैंने अभी शुरू किया है और मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों आप लोग जो है आप लोग मुझे मोदी जी का एक सेवक समझकर, मोदी जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं पूरे देश का सेवक हूँ, आप मुझे उनका एक सेवक समझ के हम सब एक मोदी सेना बनकर आप मेरा नाम लेकर मेरे लिए आप वोट मांगेंगे, मेहनत करेंगे। ये 2 महीने जो है ये 2 महीने अभी खेती का भी काम है मुझे पता है फसलों, लेकिन ये 2 महीने अगर आप मोर्चा संभालेंगे दोस्तों तो उसके बाद में फिर मैं आपकी सेवा में लगी रहूंगी। आप लोग सब यहाँ आए, मेरा उत्साह बढ़ाया, मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए सारे यहाँ पे आए हुए हैं हमारे सीनियर्स, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय